आईपीएल 2025 सीजन के लिए खिलाड़ियों के रिटेंशन को लेकर लगातार हलचल जारी है और इन सबके बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फैंस को खुश करने वाली खबर आ रही है। 3 सीजन पहले तक आईपीएल में बेंगलुरु के कप्तान रहे विराट कोहली एक बार फिर से टीम का नेतृत्व करते दिख सकते हैं। आईपीएल रिटेंशन की डेडलाइन से पहले ये बड़ा दावा सामने आया है जिसके मुताबिक कोहली फिर से बेंगलुरु की कप्तानी करने का मन बना चुके हैं। अब ऐसा होगा या नहीं ये नवंबर में होने वाली मेगा ऑक्शन के बाद ही सामने हो पाएगा। विराट कोहली की कप्तानी को लेकर यह दावा किया गया है कि ESPN क्रिक इन्फो ने एक वीडियो में जहां आईपीएल रिटेंशन को लेकर बातें की जा रही हैं। इस वीडियो में यह बताया गया है कि विराट कोहली ने RCB मैनेजमेंट के सामने अपने दिल की बात रख दी है और वो एक बार फिर से टीम की कप्तानी करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। कोहली लगातार 9 सीजन तक RCB के कप्तान थे लेकिन खिताबी सफलता नहीं मिलने के कारण उन्होंने 2021 सीजन के बाद इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद से फाफ डुप्लेसिस ने लगातार 3 सीजन टीम की कमान संभाली थी। अगले सीजन के लिए बेंगलुरु की ओर से डुप्लेसिस को रिटेन करने जाने की संभावनाएं बेहद कम बताई जा रही हैं। ऐसे में लगातार दावा किया जा रहा है कि RCB मेगा ऑक्शन के जरिए KL राहुल, ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर में से किसी एक को खरीदकर टीम का कप्तान बनाने पर विचार कर रही है। इसमें भी राहुल का नाम सबसे आगे है जिन्होंने करियर के शुरुआत में कुछ सीजन बेंगलुरु में भी बिताए थे। लेकिन अब इस ताज़ा रिपोर्ट से सारे दावे गलत साबित होते दिख रहे हैं। अगर कोहली ने वाकई कप्तानी की इच्छा जाहिर की है तो इस बात की संभावना कम ही है कि RCB उन्हें मना करेगी क्योंकि कप्तानी के रिकॉर्ड के बावजूद कोहली फ्रेंचाइजी की पहचान रहे हैं। अगर विराट के IPL में कप्तानी के रिकॉर्ड की बात करेंगे तो उन्होंने 2013 सीजन में पूरी तरह से कप्तानी की जिम्मेदारी संभाली थी लेकिन वो एक भी बार टीम को खिताब नहीं जीता पाए। उनकी कप्तानी में फ्रेंचाइजी ने सिर्फ 2016 में ही एक बार फाइनल खेला था जहां उसे सनराइजर्स हैदराबाद से हार का सामना करना पड़ा था। कोहली ने कुल मिलाकर 143 मैच में कप्तानी की है जिसमें से टीम को सिर्फ 66 में जीत मिली है जबकि 70 में हार झेलनी पड़ी है। जहां तक पिछले 3 सीजन की बात है तो डुप्लेसिस की कप्तानी में टीम ने 2022 और 2024 में प्लेऑफ का सफर तय किया था लेकिन 2023 में टीम इससे चूक गई थी। अब देखना है कि अगर कोहली कप्तान बनते हैं तो क्या RCB खिताब जीत पाती है या नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। शुक्रिया।